멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국인 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home नहीं अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गाइस। आपको मैं आज की वीडियो में सिखाऊंगा कि मैंने अपना जो इंट्रो है वो कैसे बनाया, मैं अपना इंट्रो कैसे बनाता हूँ गाइस। मैं अपना इंट्रो नाम बनाता हूँ और वीडियो एडिट करता हूँ काइन मास्टर एप्लीकेशन से, जिसको आप ना क्रोम पे और प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। मैं यही वीडियो ना यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए और मैंने अपनी जो इंट्रो है वो भी इससे ही बनाई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे मेरी तरह इंट्रो बना सकते हैं। तो अभी सबसे पहले आप जैसे ही आए यहाँ पर, सबसे पहले इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने ये जो मिड वाला है ये ना शॉर्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने 16.9 सेलेक्ट करना है क्योंकि आपने वीडियो बनानी है। इसलिए अभी जल्दी से जैसे ही आए आप ना यहाँ पर आपने सब्र, ये एक टूल है ये इस्तेमाल कर लेता हूँ, किधर है ब्रश के आपको समझ आए। ओके ये जगह, ये इधर जो ये जगह दिख रही है ये यहाँ पर आपने ना क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना आप यहाँ पर आ जाएंगे मीडिया पे। जैसे ही आप मीडिया पे आएंगे ना तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने ना सबसे पहले लेकर आना है आपने जो सॉन्ग सेलेक्ट किया है वही सॉन्ग आपने लाना है। तो मैंने सॉन्ग सेलेक्ट किया है, डाउनलोड्स के इधर गए मेरे, यस ये रहे डाउनलोड्स। अभी यहाँ पर नहीं, नहीं यहाँ पर नहीं है मेरा डाउनलोड, मेरे ख्याल से सबर डीसीएम डाउनलोड, यस इधर है। यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है, यहाँ पर मैंने ये सॉन्ग लिया है। अभी आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने ना सबसे पहले लेयर पे क्लिक करना है, ये लेयर सबर आपको दिखा लेता हूँ, ये यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने क्लिक करना है प्यारे से मीडिया पे अगेन, और जैसे ही क्लिक करेंगे आप का मीडिया पे से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड ओके। उसके बाद ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेना है, मैं तो कोई सा भी ले लेता हूँ, आपकी मर्जी, आप जैसा भी बैकग्राउंड लेते हैं आपकी मर्जी है, मेरी नहीं। ओके अभी गाइस देखें मैंने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो अभी जल्दी से शुरुआत करते हैं, ज़रा हम ये सॉन्ग प्ले करते हैं। अभी यहाँ पर लायर पे फिर से आपने क्लिक करना है, इसके बाद आपने क्लिक करना है टेक्स्ट पे, टेक्स्ट। तो अभी जल्दी से मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने अपने चैनल का नेम देना है, मेरे चैनल का नेम है गेमिंग पॉइंट ऑफिशियल, तो मैं जल्दी से दे देता हूँ गेमिंग पॉइंट और ऑफिशियल। ओके डन 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 डन। अभी आपको इसको बड़ा कर लेना है, और गाइस आप अपनी राइटिंग को भी बदल सकते हैं इसमें। यहाँ पर आपने क्या करना है राइटिंग को बदलने के लिए, यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे। तो अभी जल्दी से मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारी राइटिंग्स आपको दिख जाएगी, मेरे तो जैसी राइटिंग है वैसे ही चलेगी क्योंकि मुझे राइटिंग अपनी नहीं बदलनी, ये वाली राइटिंग मुझे पसंद आती है। और अभी गाइस मैं आपको पता है मैं एक चीज़ इस्तेमाल करता हूँ के इंट्रो में ना ये राइटिंग आ जाता है अचानक से सामने, देखिए आपने क्या करना है इन एनिमेशन में क्लिक करना है। अभी जल्दी से इन एनिमेशन पे मैंने क्लिक कर लिया, सबर सबर एक मिनट, हाँ हाँ यार जल्दी। ओके इन एनिमेशन पे क्लिक कर लिया, आपकी मर्जी आप जैसे करते, मुझे तो ये क्या बोलते हैं स्लाइड राइट ये वाला नहीं, ये क्या फेट ये वाला पसंद है मुझे, मैं अपने चैनल में मेरे ख्याल से यही लगाए। आप अपनी स्पीड भी सेलेक्ट कर सकते हैं जितनी स्पीड आप रखनी चाहते हैं, मैं तो 1.5 ही करूँगा। और अभी इसके बाद इसको ना यहाँ पर ऐसे क्लिक करके इसको ड्रैग करके आगे तक पहुँचा देना है। ओके अभी आगे तक पहुँचाने के बाद आउट एनिमेशन पे भी क्लिक कर लेना है, यहाँ पर स्लाइड राइट पे मैं क्लिक करूँगा और फिर डन पे क्लिक करूँगा। ओके इसके बाद ज़रा सॉन्ग फिर से ना स्टार्ट करते हैं। ओके सबर, ओके सबर,
ओके अभी यहाँ पर ना हमें क्या करना है, फिर से लायर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेना है, फिर ऐसे बड़ा करना है इसको और स्टिक पे क्लिक करना है, उसके बाद लायर पे फिर से क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है, फ़ोटो पे आपकी मर्ज़ी, मैं तो डाउनलोड पे क्लिक किया है। नहीं सबर, पहले मुझे चाहिए होगा कौन सा फ़ोटो भाई साहब, यार ये बहुत हार्ड है यार सच में यार अभी। हाँ ये इधर, अभी यहाँ पर मैंने ये वाली फ़ोटो जो है ले ली एलेक्सिस की। और यहाँ पर सबर एक चीज़ मैं भूल चुका हूँ, अभी उसको भी लगाना है, आपने लाइव पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, यहाँ पर एलेक्सिस के लिए मैं पिंक कलर का बैकग्राउंड लाता हूँ। ओके अब इस एलेक्सिस के फ़ोटो को मैंने मुझे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि इसको ज़रा जल्दी ले आया मैं। ओके अभी इसको ऐसे रोटेट करके ना हाफ जगह तक पहुंचाना है, ये मतलब हाफ हो जाए इतना इतना। ओके सबर मैं हाफ कर लेता हूँ इसको, मेरे ख्याल से इतना हाँ हाफ हो गया है ये। अभी जल्दी से मुझे अभी लायर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, उसके बाद ब्लू कलर का बैकग्राउंड लेना है, ब्लू ब्लू ब्लू, ये रहा ब्लू कलर का बैकग्राउंड, इसको भी ऐसे करके मोटा थोड़ा सा करना है, मोटू मोटू लाल। ओके ज़रा ये थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, अभी काम डन 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 डन। अभी जैसे ही इसको क्लिक करें ना, हमें सबसे पहले लायर पे फिर से क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, मीडिया पे जाने के बाद हमें सबसे पहले अपना जो डाउनलोड पिक्चर्स किधर गए भाई साहब यार। हाँ ये रहे, अभी जल्दी से यहाँ पर एलेक्सिस की फ़ोटो ले लेता हूँ मैं। ओके अभी जल्दी से आप कोई सी भी फ़ोटो ले सकते हो, मैं मेरा जो माइनक्राफ्ट का जो स्किन है वो हीको है, तो हीको की जो वाइफ है वो एलेक्सिस है, इसलिए मैं एलेक्सिस ले रहा हूँ। आपकी जो स्किन की जो पसंद है बस खुद की ले सकते हैं। अभी जल्दी से टिक पे क्लिक करना है, अभी जल्दी से सॉन्ग सुनता हूँ। अभी यहाँ पर जैसे ही आए ना, अभी हमें ये एलेक्सिस की जो फ़ोटो है इसको ड्रैग करके थोड़ा सा छोटू कर लेना है। ओके अभी जल्दी से लगाते हैं, अभी यहाँ पर ऐसे ये डॉट इसके जैसे ही ख़त्म हो इसके सामने ऐसे लाना है। ओके अभी फिर से लायर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, उसके बाद जल्दी से अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। ओके अभी मैंने फिर से सेलेक्ट कर ली ये वाली फ़ोटो है, रे तेरी फ़ोटो। अभी जल्दी से मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली, अभी ज़रा आपको लगा के दिखाता हूँ कि कैसे। सबर गाइस यहाँ पर एक और चीज़ है, ये मैं भूल चुका हूँ, यहाँ पर आप ज़रा टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ और चीज़ भी की थी। ओके यार वो बटन किधर गया भाई साहब, यार आप छोड़े आपकी मर्ज़ी है, मैंने तो वैसा लगाया था, आप बस ऐसे ही लगाएं। ओके अभी यहाँ पर अभी ज़रा वीडियो प्ले करते हैं, आप ज़रा देखें। ओके अभी यहाँ पर लिखते हैं ज़रा हीको की फ़ोटो थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रा मोटी हो चुकी है, मोटी नहीं लंबी हो चुकी है। ओके डन, नहीं 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 अभी भी डन नहीं, अभी हो जा। ओके डन, अभी जो ये ब्लैक कलर का स्क्रीन है इसको फुल कर लेते हैं। ओ नहीं नहीं बहुत आगे हो गया। ओके गाइस अब मैंने ये फुल कर लिया है, अभी आपने क्या करना है, ये जैसे ख़त्म होगा आपने फिर से लाइव पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, अभी आपने लिखा है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज, माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। ओके फिर ओके पे क्लिक करना है, फिर ये इसको फिर से बड़ा करना है, इन एनिमेशन फेड। ओके अभी इस पे फिर से क्लिक करना है, आउट एनिमेशन इस पे फेड पे फिर से क्लिक करना है, फिर टिक पे क्लिक करना है। अभी जल्दी से देखते हैं, अभी यहाँ पर ये एंड हो रहा है तो जल्दी से देखते हैं। ओके अभी क्या करना है, ओके यहाँ पर हमें ना फिर से मीडिया लायर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, और मैं अपने चैनल का लोगो ना यहाँ पर रख रहा हूँ क्योंकि ये ना मेरा चैनल है, आप अपने चैनल का लोगो ले सकते हो। अभी जल्दी से मैंने इसको ऐसे कर लिया, इन एनिमेशन
ओके ये ऐसे कर लिया। अभी जल्दी से मुझे फिर से लाइव पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। सब्सक्राइब ओके अभी ये मैंने क्लिक कर लिया। अभी इसको ज़रा मोटा करते हैं, अभी जल्दी से लगाते हैं, देखते हैं। ओके अभी सब्सक्राइब के ऑप्शन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये आगे हो चुका है। और अभी ज़रा देखते हैं ये कैसे बना। ओके ओके ये बन चुका है। जैसे ये बन जाए उसके बाद ना हमें यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये बटन, मैं यहाँ पर एरो लगा रहा हूँ, यहाँ पर हमें ना क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये सबसे आगे आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्लिक करना है यहाँ पर इस पता नहीं ये कैसा ट्राइंगल है, बस उल्टा ट्राइंगल बोल सकते हैं, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने FHD आप देख सकते हैं FHD मैंने 1080p पे रखी है और ये 30 रखा है, आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। अभी जैसे ही ये काम हो जाए ना हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा एक्सपोर्ट, हमने ना यहाँ पर जो है ना क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ना ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जल्दी से एक्सपोर्ट हो रहा है। ओके हो जा। अभी ये जैसे ही एक्सपोर्ट होगा हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। ओके देख लेते हैं। ओके ये बस होने वाला है, इसी के साथ ज़रा लोड रह रहा है इसलिए ज़रा माफ़ी सॉरी। ओके फाइनली ये हमारा बन चुका है और आपकी गैलरी में आ चुका है। तो गाइस अभी वीडियो को एंड करने का टाइम है और आपके आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं 25 लाइक्स। तो गाइस अभी वीडियो को एंड करने का टाइम है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।